आज हम डिस्कस कर रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, जो कि क्लास 11th में आता है अपने पास। क्लास 11th का एक चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम। चैप्टर नंबर 8 बायनोमियल थ्योरम। इसमें से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको IIT में भी दिखेगा और ये एकेडमिक एग्जाम 11th के हिसाब से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम। देखो, जैसा चैप्टर पे अगर डिस्कस करें तो इसका मतलब ये है, बाई मतलब होता है 2 और नॉमियल मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, 2 टर्म से रिलेटेड जितने भी अपन एक्सपेंशन कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, पावर 4, 5, 10, 20, 50, जितनी भी, वो सारे अपन किस पे डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 11th में जो चैप्टर है अपने पास, इसकी एकेडमिक एग्जाम में जितनी इंपॉर्टेंस है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काम आता है बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल थ्योरम में अपने पास 2 टर्म पे काफी ज्यादा डिस्कशन होगा, या बार-बार कहें तो ये 2 टर्म्स अपने बार-बार काम आएगी। पहले उन पर डिस्कशन करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल क्या होता है? देखो, अपन किसी भी नंबर को n टर्म तक मल्टीप्लाई करते हैं डिक्रीज ऑर्डर में। जैसे मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से, या फिर अपन इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से। तो जो 5 फैक्टोरियल होता है इसको कैसे लिखेंगे? डिक्रीज ऑर्डर में n टर्म तक, 1 तक, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे मल्टीप्लाई करा, तो ये अपने पास फैक्टोरियल हो गया। और ये कितना हो गया? 120। मैंने कहा 6 फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया बताओ? 6 × 24 = 120, 720। इस तरह से अपन को फैक्टोरियल सोल्व करना है। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको, जैसे मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। तो मेरे हिसाब से आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर मैं n फैक्टोरियल लिखूं तो फिर ये क्या होगा? n − 1 n − 2 n − 3, डिक्रीज ऑर्डर में आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, कहां तक बोलो? 3 × 2 × 1 तक। तो मेरे पास n फैक्टोरियल हो गया। इस तरह से हमें फैक्टोरियल बार बार काम आने वाला है। ठीक है, फैक्टोरियल के बाद हमने अगला लिखा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर अपने 7 है, जिसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उस कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा बोलो? यूज। कॉम्बिनेशन को अपन लिखेंगे NCR, इस तरह से NCR। किस तरह से लिखेंगे? NCR, और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला किस तरह से काम आ रहा है देखो मैं बताता हूँ। पहले इसका फैक्टोरियल क्या बता? इसका फॉर्मूला क्या हुआ? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अच्छा, मैंने क्या करा है यहाँ पे आपके, मैंने इस फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा 5C2 सोल्व करना है मुझे, 5C2, अगर C आ गया तो कॉम्बिनेशन। 5C2 सोल्व करने का मेथड 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 माइनस, आर के लिए 2 है, देखो आर के लिए 2, तो 5 − 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, और नीचे लिखा 5 में से 2 गए, 3 फैक्टोरियल इंटू ये कितने हो गए? 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिख देंगे अपन 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल तक रोक देंगे, क्योंकि नीचे अपने 3 आ रहा है। ठीक है, और ये 3 फैक्टोरियल इंटू ये 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट गया, 5 × 4 2 × 1 2 की टेबल से 2 टाइम, और ये अपने आ गया 10। इस तरह से किसी भी फैक्टर को सोल्व कर सकते हैं। अगर अपन को ये सोल्व करना हो, 10C2 सोल्व करने का 10 फैक्टोरियल, 10 − 2 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करता हूं तो 10 × 9 कहां पे रोक दिया मैंने इसको? 8 फैक्टोरियल पर रख दिया। क्यों? क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली काट सकता हूँ 2 × 1, और इससे कट गया बताओ 5 टाइम, और ये कितना हो गया? 45। इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि एनसी, अगर मैं यूं लिखूं NCR किसके बराबर होता है? NCn − r के। ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी इसकी, जो इस चैप्टर में यूज होगी। जो जो बायनोमियल थ्योरम में यूज होने वाले टर्म्स होंगे उनको मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से कि कॉम्बिनेशन का यूज होगा। फॉर्मूला ये, अपन इस तरह से किसी भी कॉम्बिनेशन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक सी प्रॉपर्टी ये है। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जैसे 10C8 आ गया, अब इसको कब तक सोल्व करेंगे? ये तो काफी लंबा हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होता है? देखो 10 − 8 करेंगे 2, तो ये 10C2 के भी इक्वल है। जैसे 5C4, ये 5C1 के इक्वल। मैंने लिखा 100C99, अब इसको क्या सोल्व करेंगे 99 तक?
तो इसकी जगह इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 100C1, क्योंकि ये माइनस करके ये देखो ये जो NCR इन दोनों को माइनस करा यहाँ गया, इन दोनों का माइनस यहाँ रहा है। इस तरह से अपन इस चीज को बहुत सारी जगह यूज करेंगे जहां अपन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर मैं बोलूं 1000C2 किसके बराबर, 1000C998 ये किसके बराबर होगा, इसको सोल्व करना तो काफी बड़ा हो गया, तो इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं 1000C2 से, इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखना है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया आपके सामने। अब कुछ खास बात और, ठीक है, मैं अगर ऐसे बोलूं के 5C0 किसके बराबर, तो 1, अगर नीचे आपके पास 0 है तो ये 1, और 5C5 किसके बराबर, ये भी 1, तो मतलब NCN अपने पास हो जाता है 1। ये खास खास चीजें आप लिख सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, और NC0 अपने पास हो जाता है 1, ये दो चीजें अपने पास इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ऐसे ये फॉर्मूला लगा के सोल्व कर सकते हैं, पर मैं विदाउट फॉर्मूला भी आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, विदाउट फॉर्मूला अपन कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, मैं विदाउट फॉर्मूला आपको बताने की कोशिश करता हूँ कॉम्बिनेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ध्यान देना, मैंने लिखा 5C2, हमारे पास फॉर्मूले से तो हमें इतना लंबा चौड़ा करेंगे, पर विदाउट फॉर्मूला दोनों कैसे करेंगे, 5 को 2 बार खोल दो, 5×4 खुल गया 2 बार, अपॉन अब नीचे के 2 को भी 2 बार, 2×1, ठीक है, ये कितने बार, 2 बार ही आएगा 10। ये सिंपल मेथड हो गया। मैं अगर 10C2 को सोल्व करना है, 10 को 2 टाइम खोलना है, 10×9, अब 2 को खोलना है, 2×1, 2 की टेबल से 5 टाइम, ये हो गया 45। इस तरह से किसी भी फैक्टर को आप सोल्व कर सकते हैं। 6C3, तो 6 को 3 बार खोलना है, 6×5×4, फिर इसको खोलना है 3×2×1, ठीक है, ये 3×6×6 कर दिया और ये आ गया 20। इस तरह से आप खोल सकते हैं इसको, है ना। तो मेरे पास कॉम्बिनेशन जो मैंने लिखा है इसका काफी ज्यादा यूज है, और इस तरह से अपन कॉम्बिनेशन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारी जगह आपकी ये काम होने वाला है। तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन सोल्व करना सिखा दिया है, फैक्टर को सोल्व करना सिखा दिया, अब बाइनोमियल टर्म चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले एक बार वापस अपन देख लेते हैं। अगर मैंने कहा आपसे कि 11C2 सोल्व करना है, तो आप सिंपल सा मेथड यूज करो ना, कैसे, 11 × कितना हो जाएगा बताओ, 10, 2 बार खोल दिया, नीचे 2×1, ये 5 आ गया, 55। ठीक है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत अपने पास यहाँ पे नहीं है। अगर मैं बोलूं 11C0 कितना होता है, आप बोलोगे 1, 11C11 कितना होता है, आप बोलोगे 1। ठीक है, इस तरह से ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब आगे अपन देखते हैं इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल का मतलब होगा दो टर्म से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंशन पे अपन डिस्कस कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अपन बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं इसको। इस चैप्टर में पास्कल ट्रायंगल भी है, फिलहाल हम उस पास्कल ट्रायंगल पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि पास्कल ट्रायंगल का जो यूज है लिमिटेड है, सिर्फ 9 तक जो आप एक्सपेंशन करोगे, 10 तक एक्सपेंशन करोगे वहां तक आप पास्कल ट्रायंगल बना सकते हो, पर उसके आगे पास्कल ट्रायंगल बनाना अपने लिए जो है पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैं आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक से इस चैप्टर को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सामने ध्यान देना। अगर अपन बहुत बारीक से देखें, देखो मैं लिखता हूं a+b^0, तो ध्यान देना आप, दो टर्म पार 0 1, a+b^1, तो a+b आ जाएगा, a+b^2। जो अपन बेसिक बेसिक चीजें जानते हैं पहले उस स्टेप उस उन चीजों से चैप्टर को सीखेंगे। a+b^2, अब a+b^2 है तो बताओ कैसे खोलेंगे, a²+2ab+b², सिंपल सा, ठीक है, a+b^3, a+b³। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो देखो a³+3a²b+3ab²+b³, आपको ऐसे भी दिख सकता है a³+b³+3ab(a+b). चलो यहां तक तो अपन ने पढ़ा हुआ है, पर a+b^4 अब नहीं आता, a+b^5 नहीं आता, a+b^100 ये भी नहीं आता। फिर इसके लिए क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे और किस तरह से करेंगे ध्यान देना। चलो पहले बहुत बारीक और बेसिक चीजों को सीखते हैं, ठीक है, उसके आगे इसका एक्सपेंशन सीखेंगे। पावर 0 टर्म्स 1, पावर 1 टर्म्स 2, पावर 2 टर्म 3, पावर 3 टर्म 4, पावर 4 टर्म 5, पावर 5 टर्म 6, पावर 100 टर्म्स 101। मतलब ये हुआ कि अगर पावर n है तो टर्म्स n+1, पावर अगर मेरे पास क्या है, पावर n है तो टर्म्स n+1।
मतलब जितनी पावर उससे टर्म्स एक ज्यादा, जितनी पावर टर्म्स उससे एक ज्यादा। अगली चीज पे देखते हैं, तो एक चीज तो पता लगी कि a प्लस बी की पावर 200, तो टर्म्स कितनी 201। a प्लस बी की पावर 500, तो टर्म्स कितनी 501। a प्लस बी की पावर 1000, तो टर्म्स कितनी 1001। इस तरह से, ठीक है। अब आगे अगली एक और चीज पे डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। अब ये दो तो बहुत नॉर्मल एक्सपेंशन है, यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की पावर 2 हो गई, फिर 1, फिर बची नहीं। a प्लस बी का क्यूब, a की पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर बची नहीं। पावर 4 में क्या, a की पावर 4, 3, 2, 1, फिर बचेगी नहीं। और अगर मान लो मैंने यहां लिखा a की पावर 2, फिर 1, देखो अब पीछे से b की पावर घट गई, देखो डिक्रीज हो रही है। b की पावर 2, फिर 1, फिर नहीं बची। b की पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर नहीं बची। तो मैं कैसे लिखूंगा पता है, यहां पे लिख दूंगा b की पावर 4, फिर b की पावर 3, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 1, और b की पावर यहां होगी नहीं। जहां नहीं होगी वहां 0 लिख देंगे, जहां a की पावर नहीं होगी वहां 0 लिख देंगे। तो इस तरह से नॉर्मल एक्सपेंशन, जैसे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, दोबारा देखो इस चीज को, दोबारा देखते हैं। मैंने कहा a प्लस बी की पावर 4 नहीं आता, पर ये पता है टर्म्स होगी 5। हमें a प्लस बी की पावर 4 फिलहाल नहीं आता, पर टर्म्स कितनी इसमें 5। और खास बात क्या है, a की पावर राइट लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगी। देखो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। जहां पे a की पावर 0 देगी वहां b अपेयर होगा, और हाईएस्ट पावर के साथ b की पावर और 3, 2, 1 और 0। और किसी की भी पावर 0 क्या आती है 1, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, इसको लिखना जरूरी नहीं है। टर्म्स इन टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5 सही है। और दूसरी चीज पावर कितनी 4, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, और यहां 4, मतलब जो होल पावर होती है हर एक टर्म्स की पावर भी वही होती है। जैसे 2, 1 और 1 2, पावर 2, यहाँ पे 3, 3, 2 और 1 3, 1 और 2 3, और ये 3। यहाँ पे देखो पावर 4, तो 4, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, और ये भी यहाँ पे 4। चलो a प्लस b की पावर में अगर लिख दो बोलो 5, तब अब क्या आप बता सकते हो, देखो कैसे करेंगे, पावर 5 तो टर्म्स कितनी 6, लेफ्ट टू राइट जाने पर a की पावर डिक्रीज, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जहां पे 0 वहां b अपेयर, और b की पावर यहां देखिए 5, 4, 3, 2, 1, 0। 0 होगी उसको लिखना ही नहीं है अपने को, जो 0 होगी उसको लिखना नहीं है। टर्म्स गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टर्म्स कितनी है 5, सॉरी पावर कितनी है 5, तो टर्म्स कितनी है 6, ठीक है, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, टर्म्स कितनी 5, तो हर एक टर्म्स की पावर भी कितनी होनी चाहिए 5। एक्सपेंशन की पावर 5 है, तो हर एक टर्म की पावर भी 5, 5, 5, 5, 5, 5 और 5। अरे आया नहीं आया, समझ में अच्छे से आया? अब अपन क्या करते हैं, इसको कर देते हैं रफ। रफ करने के बाद अपन को क्या करना है, अपन कुछ बेसिक सी चीजें सीख चुके हैं, वो ये, अगर पावर है एन तो टर्म्स n प्लस 1, लेफ्ट राइट जाने पे a की पावर डिक्रीज, राइट टू लेफ्ट आने पे b की पावर डिक्रीज, ठीक है। ये कुछ बेसिक सी चीजें अपन सीख चुके हैं, इसको जनरल एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, जनरल एक्सपेंशन, बिल्कुल जनरल, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंशन क्या होगा, a प्लस b की पावर मैंने लिखा n, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते बताओ, a की पावर सबसे ज्यादा, फिर a की पावर कम होती है, फिर और कम होती है, फिर और कम होती है, और डैश 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 डैश, और ये लास्ट में जो है पावर बचती है ये, ठीक है। और जहां पे पावर बचती नहीं है वहां पे बी आता है, तो बी की हाईएस्ट पावर, फिर क्या होगा, ए की पावर यहाँ 1 होगी, यहाँ बी की पावर एन माइनस 1 होगी, ठीक है। फिर इसके पहले क्या हो रहा होगा बताओ, ए की पावर 2 होगी, और यहाँ बी की पावर कितनी होगी, एन माइनस 2 होगी। ऐसे के ऐसे आते जाएंगे, तो यहाँ बी की पावर कितनी हो जाएगी 3, फिर यहाँ बी की पावर हो जाएगी 2, यहाँ बी की पावर हो जाएगी 1, और यहाँ बी की पावर 0, ठीक है। अब एक खास बात अपन को ये देखना है, बी की पावर 0, 1, 2, 3, है ना, सारे एक्सपेंशन अपन ने लिख दिए। और एक खास बात कि सभी में पावर देखो कितनी है, 0 प्लस n, n, 1 से 1 कटा n, 2 से 2 कटा n, 3 से 3 कटा n, 2 से 2 कटा n, ऐसे करके लिख दिया अपन ने सारा, जनरल एक्सपेंशन लिख रहे हैं जनरल। अब सर वो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, वहां पे ए स्क्वायर आता है प्लस 2ab आता है प्लस बी स्क्वायर आता है,
ए प्लस बी का होल क्यूब आता है तो वहां पे ए क्यूब आता है प्लस थ्री ए स्क्वायर बी आता है प्लस थ्री ए बी स्क्वायर आता है प्लस बी स्क्वायर आता है बी क्यूब आता है। तो सर ये देखो तीन आ रहा है दो आ रहा है यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसा। इसी के लिए कॉम्बिनेशन पढ़ा है कैसे, इधर देखो यहां देखेंगे जो टोटल है एन सी जीरो फिर एन सी वन फिर एन सी टू और बीच में प्लस लगाना है ठीक है, फिर यहां एन सी थ्री ऐसे करते करते चलेंगे अपन और यहाँ पे लिख देंगे जो लास्ट वाली टर्म होगी एन सी एन ए की पावर जीरो बी की पावर एन ठीक है। इसके पहले वाली टर्म में क्या लिख रहे होंगे बताओ एन सी एन माइनस वन ए की पावर वन बी की पावर एन माइनस वन ठीक है। ऐसे करते करते इसके पहले यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे एन एन सी एन माइनस टू ए की पावर टू बी की पावर एन माइनस टू ये जनरल एक्सपेंशन हो गया। काफी आसान है लिखना क्या सबसे पहले जो n है a की पावर n फिर एक कम फिर एक और कम ऐसे करते 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 लास्ट में जीरो जहां पे जीरो वहां b की हाईएस्ट पावर कितनी n तो यहाँ भी b की पावर n फिर b की पावर n माइनस वन फिर b की पावर n माइनस टू ऐसे करते करते जहां पे थ्री है एन माइनस थ्री वहां b की पावर थ्री b की पावर टू b की पावर वन b की पावर जीरो और जितनी भी टर्म्स होगी सभी के साथ क्या लिखना है एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एन सी एन माइनस टू ऐसे करते करते लास्ट तक चलता जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो अब समझाता हूँ ध्यान देना आप ये तो अपना जनरल एक्सपेंशन हो गया अपना ठीक है जनरल मैंने लिखा यहाँ ए प्लस बी की पावर फोर। अब इस फॉर्मूले को निकाल लें अपन ये फॉर्मूला कैसे आया हुआ ध्यान देना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी फाइव राइट टू लेफ्ट जाने पर बी की पावर डिग्री जी हाँ पाँच चार पाँच सॉरी चार है तो चार तीन दो एक और ये जीरो जहां पे जीरो वहां बी की पावर फोर थ्री टू वन जीरो इन जीरो को लिखना जरूरी नहीं है ठीक है। फिर यहां देखो चार है तो फोर सी जीरो प्लस फोर सी वन प्लस फोर सी टू प्लस फोर सी थ्री प्लस फोर सी फोर ठीक है। फोर सी जीरो कितना होता है वन मैंने बताया था आपको कि क्या बताओ एन सी जीरो वन और एन सी एन भी कितना वन ठीक है तो ये हो जाएगा वन ए की पावर फोर सी वन को सोल्व कर सकते हैं देखो फोर को एक बार खोल लिया एक बार खोल दिया चार आ जाएगा फोर सी टू फोर को टू टाइम खोल दिया ठीक है फिर टू को खोल दिया छ आ गया सिक्स फोर सी थ्री फोर को तीन बार खोलना है फोर इंटू थ्री इंटू टू फिर थ्री को खोलना है थ्री इंटू टू इंटू वन तो इन दोनों से ये दोनों कट के बचा चार फोर क्या आएगा बताओ ए बी क्यू प्लस एन सी एन एन सी एन वन बी की पावर फोर इस तरह से अपने ए प्लस बी की पावर फोर का फॉर्मूला निकाल दिया ठीक है। आगे और देखते हैं चलो मैंने यूं लिखा आपसे कि ए प्लस बी की पावर फाइव इसको कैसे निकालेंगे काफी आसान है बी की पावर फाइव बी की पावर फोर ठीक है और b की पावर a की पावर थ्री a की पावर टू a की पावर वन और a की पावर जीरो जहाँ a की पावर जीरो वहाँ b की पावर फाइव b की पावर फोर b की पावर थ्री b की पावर टू b की पावर वन b की पावर जीरो और जहाँ जीरो उसको लिखना जरूरी नहीं है ठीक है। मैं बार बार आपको लिख के बता रहा हूँ कि लिखना कैसे फिर फाइव सी जीरो प्लस फाइव सी वन प्लस फाइव सी टू प्लस फाइव सी थ्री प्लस फाइव सी फोर प्लस फाइव सी फाइव प्लस ठीक है यहाँ लिख देंगे फाइव सी फाइव अच्छा ये तो हो जाएगा वन ए के पावर फाइव प्लस फाइव सी वन पांच को एक बार खोलना है बस पांच ही आ जाएगा प्लस पांच को दो बार पांच इंटू चार फिर दो इंटू एक ऊपर भी खोलना होता है नीचे भी तो ये हो गया दो कितना हो गया बताओ टेन ए क्यूब प्लस फाइव सी थ्री को खोलेंगे तो बताओ फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फिर नीचे क्या है थ्री थ्री को खोलेंगे थ्री इंटू टू इंटू वन ये कट गया इससे टू टाइम कट गया कितना आ गया टेन। अब फाइव सी फोर अब एक और चीज जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था देखो फाइव सी फोर फाइव सी वन के इक्वल होगा फाइव सी फोर फाइव सी वन के आप चाहो तो देखो सोल्व करके देख लो फाइव सी फोर फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू चार बार खोल दिया फिर चार इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ये कट गया कितना बचा पांच और देख लो ये भी पांच है और ये भी पांच है और यहाँ पे क्या बच रहा है बताओ b की पावर फाइव ये अपना एक्सपेंशन आ गया। तो मेरे हिसाब से आप सभी को अब एक्सपेंशन काफी आसानी से आ गया होगा और इस पे एक आध दो डिस्कशन एक्सपेंशन पे और करते हैं अपन एक आध फॉर्मूला और इस पे
बना के देख लेते हैं, ठीक है। बहुत केयरफुली आपको बनाना है, तरीके से बनाना है, ठीक है, गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। मैंने भी बोला आपसे, मैंने लिखा ए प्लस बी की पावर 8, जरा इसको बना के देखें, ए प्लस बी की पावर 8, पावर कितनी 8, टर्म्स कितनी होगी 9, लेफ्ट राइट ए की पावर डिक्रीज 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट में 0, जहां 0 वहां बी की पावर 8, फिर बी की पावर 7, बी की पावर 6, बी की पावर 5, बी की पावर 4, बी की पावर 3, बी की पावर अपनी 2, बी की पावर अपनी 1 और बी की पावर 0। तो 0 में यहां भी नहीं लिख रहा हूं, यहां भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहां जाएगा 8c0 प्लस 8c1, यहां पर 8c2, यहां पे 8c3, ठीक है, यहां पे 8c4 प्लस यहां 8c5 प्लस यहां पे 8c6 प्लस 8c7 प्लस 8c8, ठीक है। ये तो 0, तो ए की पावर 8 प्लस 8c1 8, एक बार लिख लेगा 8c2, तो 8 into 7 2 into 1, 2 की टेबल से 4 टाइम, और 7 4 जा 28, ठीक है। प्लस अब 8c3, 8 को कितना टाइम बोलो, 3 टाइम, 8 7 6, और नीचे 3 into 2 into 1, डिक्रीज ऑर्डर में जितने टाइम बोलते हो उतने टाइम, ये 6 टाइम, ठीक ठीक है। और 8 ये 56 हो गया, 56 a की पावर 5 b क्यूब, ठीक है। अब अगला एक्सपेंशन प्लस 8c4, 8 into 4 into 3 into, sorry, 8 into 7 into 6 into 5, और नीचे कितना है 4, 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। देखो 4 to the 8 से 8, और इससे ये 2 टाइम, ये हो गया अपना 10, 10 into 7, 70, a की पावर कितनी 4, b की पावर कितनी 4, ठीक है। अब मैंने ये बोला आपसे 8c5, 8c3 के बराबर, क्योंकि मैंने बोला था इसको माइनस करते हैं तो वो इक्वल होता है 8c5 8c3 के बराबर, और 8c3 कितना निकाला अपन ने, 8c3 निकाला, 8c3 अपन ने निकाला हुआ है 56, तो यहां 56 लिख देंगे, 56 यहां पे a क्यूब b की पावर 5, 8c2 किस, 8c6 किसके बराबर, 8c2 के, और 8c2 किस कितना निकाला हुआ है 28, तो 28 a की पावर 2 b की पावर 6 प्लस 8c7 किसके बराबर, 8c1 के, 8c1 कितना है 8, 8 आ जाएगा a b के पावर 7 प्लस 8c0 8c8 8c8 तो 1 होता है। अब कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान देना कि इस एक्सपेंशन में a की पावर 4 b की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, इस एक्सपेंशन में a की पावर 4 b की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, a की पावर 4 b की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 70, ऑप्शन दिए हुए हैं 70 56 28 इस तरह से, आया समझ में। मैंने बोला इस एक्सपेंशन में a स्क्वायर b की पावर अपनी कितनी 6, इसका कोफिशिएंट क्या है, तो मैंने बोला a की पावर 2 b की पावर 6 का कोफिशिएंट, देखो कहां पे a की पावर 2 b की पावर 6 का कोफिशिएंट कितना 28, और नीचे आपको चार ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको इस तरह के एक्सपेंशन में शायद ही कोई प्रॉब्लम आएगी, आप कितने ही तरह के एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस पे इस एक्सपेंशन पे एक आध दो क्वेश्चन और अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूं, आप अपनी बुक में जिस टाइप के इस पे क्वेश्चन है उस पे अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अपनी बुक में कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, ध्यान देना आप, मैंने लिखा एक्सपेंड एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स की पावर 4, इसका एक्सपेंशन करना है, तो कुछ ही नहीं करना है, इसको a a के फॉर्म में मान लेंगे, ये पूरा भी मान लेंगे, तो फॉर्मूला क्या था बताओ, फॉर्मूला ये था 4c0 a की पावर 4, ये पूरा a से कंपेयर करा, a की पावर 4 प्लस 4c1 a की पावर कितनी हो जाती, कम हो जाती है और b अपीयर हो जाता है, ठीक है। फिर 4c2 ये तो a a है, a की पावर यहां देखो 4 3 फिर एको डिग्रीज 2 और इस b की पावर भी 2, फिर a 4c3 फिर a की पावर, ये a की फॉर्म में पूरा a, इसको a एज्यूम करना है माइंड में, इसको माइंड में b एज्यूम करना है, a प्लस b की पावर 4, देखो a की पावर 4 फिर 3 फिर 2 फिर यहां पे आ जाएगी 1 और यहां b की पावर कितनी हो जाएगी अपनी 3, फिर 4c4
और बी कितना, यह भी इस बी की पावर कितनी हो जाएगी अपनी, कितनी हो जाएगी इस बी की पावर 4। अब सोल्व कर लेंगे, सो कैसे सोल्व करेंगे, 4 से 0 होता है 1 और x की ये आपस में मल्टीप्लाई देंगे। अपन ने बचपन में इंडेक्स रूल पढ़े या फिर एक्सपोनेंशन के जो रूल पढ़े अपन ने, एक्सपोनेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर 12 प्लस, ठीक है, 4 से 1 होता है 4 इंटू x की पावर 9 इंटू 3 अपॉन x की पावर 1, ठीक है, प्लस 4 से 2, 4 से 2 सोल्व किया हुआ था अपन ने, 4 इंटू 3 2 इंटू 1 कितने 2 टाइम और 3 2 कितना आ गया 6, मैंने यहाँ 6 लिख दिया, x की पावर 6 3 की पावर 2 9 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 से 3 4 से 1 के बराबर, 4 से 1 कितना है 4, तो 4 इंटू x की पावर 3 3 की पावर 3 27 अपॉन x की पावर 3, ठीक है, 4 से 4 अपना 1 इंटू 3 की पावर 4 81 अपॉन x की पावर 4, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो x की पावर 12 प्लस, ठीक है, 4 3 जब 12, देखो बेस सेम है पावर आपस में माइनस, बेस सेम है पावर आपस में डिवाइड में होती तो माइनस हो जाती है, x की पावर 8 हो जाएगी, ठीक है, प्लस 9 इंटू 6 6 9 जब अपना होता है 54 और ये x की पावर 4, क्योंकि देखो 6 में से 2 गए तो पावर 4, पावर जब डिवाइड a प्लस a की पावर m, b की पावर m, a की पावर n, ये रूल होता है a की पावर m माइनस n, एक्सपोनेंट का रूल, ठीक है, प्लस 27 इंटू अपने को कितना करना है 4 जो जगह 8, ठीक है, और कैरी लगा तो जो जगह 108 और x ये हट जाएगा, कैंसिल आउट होगा, ठीक है, 81 x की पावर 4। तो इस क्वेश्चन में कैसे पूछेगा आपसे, डायरेक्ट एक्सपेंड तो अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर कंपटीशन में अगर एग्जाम आएगा तो ये बोलेगा इस एक्सपेंशन में ऐसी पावर बताओ जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स है, इस एक्सपेंशन में ऐसी कौन सी टर्म है या उस वो टर्म है क्या जो इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, जिसमें एक्स नहीं आ रहा हो, एक्स किस में नहीं आ रहा है, 108, आंसर क्या आएगा 108, और वो कौन सी टर्म है, तो टर्म कौन सी है 1 2 3 4 फोर्थ टर्म ऐसी है जिसमें अपना क्या क्या नहीं आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके जो क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हैं, 8.1 में इसके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, जो भी 11th क्लास के बच्चे हैं वो इसको काफी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, इसके आगे अपन करेंगे बाद में।